हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको कब किसी स्टॉक में एंटर करना है और कब उस स्टॉक को एग्जिट कर जाना है। मतलब आपको कब उस स्टॉक को बाय करना है और कब उस स्टॉक को सेल कर देना है। वैसे तो हमें एडवाइस किया जाता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करने चाहिए, पर कभी ये नहीं बताया जाता कि उस स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब उस स्टॉक्स को बेच देना है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे बेसिक और सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटजी है एंटर एज द FIIs एंड म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग एंड एग्जिट व्हेन दे आर सेलिंग। यहां सीखने वाली सबसे पहली चीज है कि एक FII कहते किसे है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन के अपने म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, बहुत सारे पेंशन फंड कंपनीज होती हैं, तो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में तो उसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ सिंपल सा रूल ये है कि जिस स्टॉक्स को FIIs और म्यूचुअल फंड्स खरीद रही हैं, आप भी उन्हीं स्टॉक्स को खरीदें और जब वो एग्जिट कर जाए तो आप भी उन्हें बेच दें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि FIIs और म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो अगर आप उस बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक हैंडसम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है द पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी ऑफ एंट्री। ये एकमात्र ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एंट्री के लिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं है, बल्कि ज़्यादा स्ट्रैटेजीज एग्जिट करने के लिए है। तो ये स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं द पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी ऑफ एंट्री, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक अट्रैक्टिव स्टॉक दिखता है पर आपको लगता है कि ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, तो बेहतर है कि आप वेट करें कुछ वक्त तक के लिए, जब तक उसका प्राइस नीचे ना चला जाए। अब हम देखते हैं एग्जिट करने के कुछ इंडिकेटर्स। अब इस रूल में हम सीखेंगे कि कब हमें एक स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपको एक सही एग्जिट टाइमिंग पता करने में। तो सबसे पहला इंडिकेटर है द टाइम व्हेन द कंपनी इज अंडर परफॉर्मिंग। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट फिगर्स काफ़ी कम हो गया, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी इस क्वार्टर में अंडर परफॉर्म करी है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इस वक्त बेच देना चाहिए, बल्कि आपको 3-4 quarters तक वेट करना चाहिए और इन 3-4 quarters में अगर कंसिस्टेंटली कंपनी के सेल्स फिगर्स और प्रॉफिट फिगर्स डाउन होती चली जा रही हैं तो इसका मतलब ये सच है कि ये कंपनी अंडर परफॉर्मिंग है और अब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो चलिए इस इंडिकेटर को हम इरॉस इंटरनेशनल के एग्जांपल से समझते हैं। इरॉस इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये क्यों एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इरॉस इंटरनेशनल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जून 2020 के क्वार्टर में -28.49 crores है, यानी कि उन्हें 28.49 crores का लॉस हुआ है। उसके अगले क्वार्टर यानी कि सितंबर 2020 में वो लॉस कम होकर 4.27 करोड़ रहा। उसके अगले क्वार्टर में यानी दिसंबर 2020 में लॉस बढ़कर 27.69 करोड़ हो गया। उसके अगले क्वार्टर में यानी कि मार्च 2021 में लॉस फर्दर बढ़कर 120.41 करोड़ हो गया और उसके बाद जून 2021 में फाइनली लॉस है 42.86 करोड़। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये लगातार एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस में है, चाहे लॉस कम हो या ज़्यादा हो, बट अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो अगर ये सिर्फ लॉस एक क्वार्टर का होता तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उस कंपनी के शेयर्स को बेचने में, पर जैसा आपने इरॉस इंटरनेशनल एग्जाम्पल में देखा, ये कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस में थी और एक लॉस इनकरिंग कंपनी के स्टॉक को खरीद कर रखना इट्स नॉट अ ग्रेट डिसीजन। इरॉस इंटरनेशनल के अलावा दो और ऐसे अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज के एग्जाम्पल हैं भेल और कोल इंडिया, पर ध्यान रहे ये एग्जाम्पल सिर्फ एडुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई स्टॉक बाइंग या स्टॉक सेलिंग टिप्स नहीं है, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर है डेट यानी कि कर्ज। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कंपनी जितना ज़्यादा कर्ज में रहेगी उसके प्रॉफिटेबिलिटी उतनी दूर होती चली जाएगी।
की, और अगर वो प्रॉफिटेबल है भी तो वो उसके प्रॉफिट के पोटेंशियल्स को बहुत कम मीट कर पा रही होगी। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं, जिस कंपनी ने जितनी ज़्यादा कर्ज ली होगी साल के एंड में उसके पास जितना भी रेवेन्यू आया होगा उस रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में चला जाएगा, और अगर वो पैसा कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट हुआ होता तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई होती, जिसके वजह से उसके शेयर्स की प्राइस बहुत हाई हो जाती। तो ध्यान रखिएगा कि कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें डेट बहुत ज़्यादा है तो उस तरीके की कंपनी पे इन्वेस्ट मत करिएगा, और अगर आपने जिस स्टॉक्स को ख़रीदा है उसमें से कोई कंपनी कर्ज बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर रही है तो वो एक सही टाइम होता है उस कंपनी से एग्जिट कर जाने का। और टू कन्विंस यू, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि ज़्यादातर मल्टीबैगर शेयर्स या तो डेट फ्री है या तो लो डेट कंपनीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे जान सकते हैं कि कोई कंपनी में कर्ज सच में ज़्यादा है या नहीं। इसको रिसेंटली मर्ज्ड हुए कंपनी वोडाफोन इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ वोडाफोन इंडिया का मार्केट कैप है 30,603 करोड़ और कंपनी ने कर्ज लिया है 1,80,383 करोड़, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर्ज है, और ये कर्ज कंपनी के मार्केट कैपिटल से 6 गुना ज़्यादा है। तो आइए चलिए हम समझते हैं कि एक मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके करेंट शेयर के प्राइस से, तो आपको उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा लग जाएगा। और आसान तरीके से समझें तो मान लीजिए आज आपको वोडाफोन इंडिया कंपनी ख़रीदनी है, तो आपको पूरी कंपनी ख़रीदने में जितना पैसा लगेगा उतना आपका मार्केट कैप हो जाएगा। तीसरा इंडिकेटर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू। अगर किसी कंपनी में लीगल डिस्प्यूट है या रेगुलेटरी ट्रबल है या फिर उसके सीनियर मैनेजमेंट लीडर्स बहुत जल्दी जल्दी रिज़ाइन कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको समझना चाहिए कि कंपनी में या तो कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी कोई लीगल डिस्प्यूट में पड़ गई, मतलब कोर्ट में अगर कंपनी की कोई केस चल रही है, या फिर वो सेबी की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पा रही, या फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जैसे कि फ्रॉड या फिर स्कैम, जिसके वजह से जो सीनियर मैनेजमेंट लीडर्स होते हैं वो एक के बाद एक तुरंत तुरंत रिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही पिनिंग सिचुएशन होता है जहां आपको समझना चाहिए अब उस शेयर को बेचने का टाइम आ गया है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी स्कैम। ये तो हम सब जानते हैं कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था और वो उस पैसे को लेकर भाग गया था और ये केस कोर्ट में चला गया था। तो इससे होता ये है कि बैंक की क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे सीनियर मैनेजमेंट लीडर्स पे आता है, और वहाँ वो सीनियर मैनेजमेंट लीडर्स भी धीरे धीरे रिज़ाइन कर रहे थे। तो जिन्हें इस गवर्नेंस इशू का आइडिया होगा वो PNB के अपने शेयर्स को उस वक्त ही बेच चुके थे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है येस बैंक। येस बैंक इंसॉल्वेंट इसलिए हुई क्योंकि वो सिर्फ एक ज़्यादा अपफ्रंट फी चार्ज करके वो उन लोगों को भी लोन्स दे रही थी जिन्हें दूसरे बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया था, और जैसा कि कॉन्सिक्वेंस का तो पहले से ही पता था वो ज़्यादातर लोग डिफॉल्टर्स घोषित हो गए, यानी कि वो लोन नहीं चुका पाए, और लोन नहीं चुका पाने की वजह से येस बैंक का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से एक वक्त के बाद येस बैंक इंसॉल्वेंट हो गई। चौथा और आखिरी इंडिकेटर है कंपनी चेंजिंग देयर प्रोडक्ट लाइन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके तहत अगर कोई कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि चाय की पत्ती, अगर वो चाय की पत्ती बनाती है और एक वक्त के बाद वो अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज कर रही है और वो शिफ्ट कर रही है शुगर इंडस्ट्री में, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि आप उस कंपनी को एक चाय बनाने वाली कंपनी के तौर पर तो जानते थे, पर शुगर इंडस्ट्री में बिजनेस करना और टी लीव्स इंडस्ट्री में बिजनेस करना बहुत ही अलग अलग चीज़ है, भले ही चाय में दोनों डलती हो। तो टी लीव्स के इंडस्ट्री में उसका एक बड़ा ब्रांड वैल्यू होना उसके लिए एक एडेड एडवांटेज था, उस कंपनी का उस इंडस्ट्री में पुराना होना उसके लिए एक दूसरा एडेड एडवांटेज था। लेकिन उन एडवांटेजेस को साइड करते हुए अगर वो एक नए इंडस्ट्री में कदम रख रही है जहाँ उनका ना तो कोई ब्रांड वैल्यू है और ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो इस वक्त पे रिस्क लेना सही नहीं होता, और ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने स्टॉक्स से एग्जिट कर जाने का। और मैं आखिर बात ये कहना चाहूँगा, अपने स्टॉक्स से एग्जिट सिर्फ इसलिए ना करें कि आपके ख़रीदने के बाद उसके प्राइसेस गिर रहे हैं,
क्योंकि अगर आपने किन्हीं के कहने पे स्टॉक्स खरीदा है और अब वो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तब तो बिल्कुल ही भेज दीजिए। बट अगर आपने उस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च खुद ही की हुई है और आप एक कन्विक्शन के बेसिस पे ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर, उसे प्लीज़ मत बेचिएगा। इनफैक्ट अगर उसके दाम गिर रहे हों तो आप खरीदना शुरू कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।